जयपुर के परकोटे के बाजार सोमवार से खुल जाएंगे, जिनके लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। रविवार को बाजार में दुकानदार सफाई करते हुए नजर आए। दुकानदारों से जब परकोटा खोलने को लेकर बात की तो उन्होंने व्यवसाय ठप्प होने को लेकर दुख जताया, लेकिन अब बाजार खुलने जा रहे हैं तो खुशी भी जाहिर की। इस दौरान परकोटे का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी ने। कोरोना वायरस के कारण देश में 68 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें अब लॉकडाउन 4.0 के बाद लॉकडाउन 5.0 शुरू होने जा रहा है, जिसमें कुछ नियम और शर्तों के साथ में ढील दी गई है। बात करें जयपुर की तो परकोटा 1 जून से खुलेगा, जिसमें अब तक देखा जाए तो व्यापारी गतिविधियां रुकी हुई थी, जिसके कारण पूरा बाजार बिल्कुल पूरी तरीके से ठप नज़र आ रहा था। आज यहाँ पर लोग सफाई कर रहे हैं दुकानदार, क्योंकि कल से ये दुकानें एक बार फिर बाजार शुरू होगा। जहाँ दुकानदारों से हम बात करते हैं इस मामले में कि दुकानदार क्या बता रहे हैं। परकोटे में बिल्कुल व्यापार खत्म हो गया, अब तो और फिर सोशल डिस्टेंस की बता रहे हैं, ये कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ तो कस्टमर ऐसा आता है कि अंदर घुसता है, हमको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अभी तो मतलब लोकल कस्टमर तो गायब हो गया। 1 जून से परकोटा खुलने जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए, और हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम तैयारी कर लें, साफ सफाई वगैरह कर लें। और अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है व्यापार मंडल की तरफ से कि परकोटा खुला जाए, अभी तक तो परमिशन नहीं आई है। भाई हमने ऐसा सोचा है कि जैसे जो गाइडलाइन आएगी सरकार की तरफ से हम उसको फॉलो करना चाहेंगे। जैसे सुनने में आया था 5 मेंबर्स होने चाहिए कस्टमर्स, इस तरह के जो हम तैयारी करके रख रहे हैं हम लोग। जैसा कि दुकानदारों ने बताया कि उनको खुशी है कि लॉकडाउन 5.0 के अंदर उनको वापस व्यवसाय की गतिविधियाँ एक बार फिर रोड पर आएगी और उसका मार्केट में असर देखने को मिलेगा, और नियम और शर्तों के साथ में मार्केट चलेगा, जिसमें सामने आ रहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये मार्केट चालू रहेगा, जिसमें नियम और शर्तों के साथ में बाजार में लोग खरीदारी कर सकेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ में मनीष चतुर्वेदी, A1 TV।